दोस्तों, हमारी शारीरिक कार्यप्रणाली में किसी भी तरह का बदलाव देखते ही हमें पता चल जाता है कि हमारे फलां अंग में किसी तरह की समस्या है। जैसे यूरिन का रंग पीला देखते ही हम समझ जाते हैं हमारी किडनी ठीक नहीं। इसी तरह छाती में दर्द से पता चल जाता है कि दिल में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन क्या हमारे फेफड़ों के साथ भी यही स्थिति है? जी हाँ दोस्तों, फेफड़े हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है जो रक्त वाहिनियों को रक्त पहुँचाता है। ज्यादातर लोग इसकी सेहत के प्रति बहुत उदासीन होते हैं। फेफड़े में किसी भी तरह की दिक्कत आने से सांस संबंधी समस्या या फिर टीबी का शिकार होना पड़ सकता है। ऐसे में अपने फेफड़े की सुधि लेते रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप ये जान सकेंगे कि आपका फेफड़ा सही नहीं है और फिर आप उसका उचित इलाज करवा सकते हैं। सांस लेने में तकलीफ। मित्रों, अगर आप अपने फेफड़ों से किसी तरह की घबराहट महसूस कर रहे हैं तो ये लंग डिसफंक्शन का संकेत हो सकता है। लंग्स में ऑक्सीजन की ठीक तरह से आपूर्ति न हो पाने की वजह से या फिर गंदगी या बैक्टीरिया के कारण धमनियों के ब्लॉक हो जाने की वजह से इस तरह की समस्या सामने आती है। अगर आपको बार बार सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ये फेफड़े खराब होने का संकेत हो सकता है। इसलिए इस संकेत को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सांस लेने में थोड़ी सी भी दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होना। मित्रों, अगर सीढ़ियां करने पर आपकी सांस फूलने लगती है तो यह श्वसन प्रणाली में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। ये लक्षण फेफड़ों की खराबी का हो सकता है। अधिकतर मामलों में सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई होना अस्थमा का लक्षण होता है। अगर आप थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने पर थक जाते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस स्थिति को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। छाती में दर्द होना। दोस्तों, कई लोगों को सीने में दर्द होता है। ऐसे में उन्हें लगता है कि हृदय से जुड़ी कोई समस्या हो रही है, लेकिन ये फेफड़ों की खराबी का भी संकेत हो सकता है। लेकिन अगर आप छींकते, खांसते या फिर सांस लेते हुए छाती में दर्द महसूस करें तो ये फेफड़ों में वायरस के संक्रमण का संकेत हो सकता है। इसका असर पूरी श्वसन प्रणाली पर पड़ सकता है। ये फेफड़ों के किसी गंभीर रोग का लक्षण हो सकता है। बार बार बलगम निकलना। दोस्तों, जब शरीर में कफ बढ़ता है तो इसका असर हमारी श्वसन प्रणाली पर पड़ता है। बार बार कफ या बलगम निकलना खराब फेफड़ों का संकेत हो सकता है। खांसी, जुकाम या बलगम होने की स्थिति को नजरअंदाज न करें, इससे समस्या बढ़ सकती है। खांसते वक्त बहुत ज्यादा कफ निकलता है तो ये भी फेफड़े की गंभीर बीमारी का सूचक है। इसके अलावा अगर आपको 3 महीने से ज्यादा समय से खांसी आ रही है तो ये ब्रोंकाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। वजन कम होना। मित्रों, अगर आपका लगातार वजन कम हो रहा है तो इस लक्षण को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। ये फेफड़ों के कैंसर का एक मुख्य लक्षण हो सकता है। इसलिए अगर आपको बलगम निकलने के साथ ही वजन भी कम हो रहा है तो ये फेफड़ों की खराबी का संकेत हो सकता है। अगर आपको भी ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। ये समय के साथ बढ़ सकते हैं और फेफड़े पूरी तरह से डैमेज हो सकते हैं। इस स्थिति में गंभीर बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। खांसी के साथ खून निकलना। दोस्तों, खांसी आना सर्दी, बुखार और गले में किसी भी तरह की दिक्कत आने के दौरान सामान्य है। अगर आप 8 हफ्ते से लगातार खांस रहे हो तो ये ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, निमोनिया या टीबी के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, खांसते समय खून निकलना खराब स्वास्थ्य का संकेत होता है। अगर आपको बार बार बलगम निकलता है तो ये खराब फेफड़ों के संकेत को दर्शाता है। इसके अलावा बलगम के साथ खून निकलना स्थिति को गंभीर बना सकता है। खांसते समय अगर खून निकलता है तो इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से मिलें। तो दोस्तों, ये था फेफड़ों की खराब होने लक्षणों के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल फूड टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।